Hey guys, good morning. Welcome to X Monster Vlogs. My name is Musharraf. जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक है Royal Enfield Bullet Classic. Abrol भाई, साथ में दीपांशु भाई, कैमरामैन शोएब और ये खड़ी अपनी बाइक और आज अपन राइड लगाने वाले हैं यार मैकलोडगंज की. सभी को पता होगा अपना हिमाचल है, उसकी सबसे अमेजिंग लोकेशन में से एक लोकेशन है वो. उन जगह आज हमने जाना है. अभी को पता नहीं यार मीन्स नाइट का क्या प्लानिंग रहती है. हो सकता है अगर लेट हो गए तो नाइट से हमारा हो सकता है. थारा भाई मोटा आपको कुछ बताएगा यार. अभी हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो लेट्स सी, काफी मजा आने वाला है. तो क्योंकि ये हमारी यार फर्स्ट ट्रिप ही होने वाली है, हम सभी भाई लोग इकट्ठे जा रहे हैं और Abrol भाई ने स्पेशल ये अपना बाइक लाया हमारे साथ राइड के लिए. सो थैंक यू सो मच Abrol भाई. हाँ सीधा व्लॉग टू यार धर्मशाला एंड आल्सो मैकलोडगंज. हो सकता है नाइट स्टे प्लानिंग हमारी बन जाए. 50-50% चांस है हम कुछ बोले उसका भी व्लॉग देंगे. हमने कहाँ स्टे किया, बाइक अपनी एकदम साफ चमचमा रही है. सो अभी चलते हैं सबसे पहला काम पेट्रोल पंप में. सो लेट्स गो गाइस. सो गाइस अपना पहला स्टॉप ये रहा पेट्रोल पंप पे. पेट्रोल डलवाते हैं बाइक्स पे. और क्या हाल है थारा भाई मोटा. अपना पेट्रोल हो चुका है फिल, हाफ टैंक हो चुकी है और आज बहुत ही मस्त व्लॉग यार देखने को मिल जाएंगे. यार पहले कहाँ चल रहे हैं, मैकलोडगंज के धर्मशाला? यार आप तो धर्मशाला पे. अच्छा पहले धर्मशाला चलते हैं, सीधा स्टेडियम चलेंगे धर्मशाला जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है. उसके बाद देखते हैं फिर आगे आगे. तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिए फिर पता चलेगा. सो लेट्स गो. सो गाइस फाइनली अपनी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट और अपने Abrol भाई चल रहे हैं आगे आगे एकदम मचाते हुए जा रहे हैं. आल्दो इस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, हिमाचल की गाड़ी सभी इधर से आती है, धर्मशाला मैकलोडगंज और आगे बहुत सी जगह पे रास्ता ये से जाता है. गाइस अभी हमारा हाफ हाफ जो यार रास्ता था वो तो नहीं कवर हुआ, बट हाँ मेरे को अभी Abrol भाई ने अपना बुलेट दे दिया. आप यार क्लासिक चलाओ और ब्लॉग बना मस्त से. और हमने अप्रोक्स मीन्स 20 किलोमीटर हमने कवर कर लिया और अपने Abrol भाई अपना बाइक ही चला रहे हैं अपनी लाल परी. और उनको क्या पता कैसी लगती होगी क्योंकि वो बाइक हल्की है, ये तो एकदम बल्की होता है बुलेट. मेरे पास भी बुलेट है बट हाँ ये क्लासिक में यार पहली बार ही इसके ऊपर मैं यार व्लॉग बना रहा हूँ. सो देखते हैं कैसा जाता है अपनी जर्नी, एकदम मस्त ही जानी चाहिए. गाइस ये जा रही आगे अपनी बाइक, Abrol भाई अपने और राइड कर रहे हैं, मैं उनके बुलेट पे हूँ. और हाँ एक बात हो रही ना, Abrol भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी थी जब हमारे यार वन के नहीं हो रहे थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियो आगे शेयर करी. बहुत सारे यार जो इनके भाई लोग थे उनको बोला तो मेरे वन के कराए. मैं रोल इनका बहुत ज़्यादा रोल है तो मैं मीन्स इनका बहुत ज़्यादा यार शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने मेरे को भी ऐसे बोला कि चलते यार दोनों भाई इकट्ठे राइड पे. और अभी हमारा हाफ जो यार रास्ता है वो भी कवर होने वाला है. और बुलेट में आते हैं ना जो फीलिंग आती है ना भाई साहब, अपने बुलेट की यादें ताज़ा और अपने को बुलेट मिल चुका. और ये भी अपना ही है, ये नहीं कि ये इनका, ये भी अपना ही है, मेरा ही है, डैड से मैं चला रहा हूँ. सो अभी चलते हैं आगे सीधा एक अमेजिंग लोकेशन देखकर वहाँ पे रुकते हैं. फाइनली हमने आधा रास्ता कवर कर दिया है, बाइक दोनों आ चुकी है, भाई लोग अपने साथ है. ये लोकेशन तो आपको पहले भी पता होगी, ऊपर देख लो ये पता नहीं है क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हो सकती है, कोई मंदिर वगैरह में शायद से है, कुछ घर है हो सकता है, कुछ घर वगैरह हो सकते हैं ये पहाड़ के ऊपर. देख लो एक बार एकदम मस्त अमेजिंग. और अभी हम 5-10 मिनट अभी हम यहाँ पे स्टे करेंगे और अभी आप राइड करके आए हैं ये Abrol बाइक का बुलेट, एकदम मज़ा मस्त फीलिंग आ रही है इसको राइड करके. तो अभी यहाँ पे 5-10 मिनट रुकते हैं और लेट्स सी देखते हैं. हाँ कुछ ये चाय वगैरह रिफ्रेशमेंट. ओके फाइनली अभी आप अपनी बाइक पर आ चुके हैं वापस और अपनी बाइक पर आकर जो वाइब आती है ना, इसके बीच अपना हाथ बैठा हुआ है इसके ऊपर, मेरे सब कुछ A to Z सेट है अपना. और Abrol भाई अपना चला रहे हैं तो वो भी अपनी बाइक है बिल्कुल, मैं तो उसको अपनी मान रहा हूँ. और अप्रोक्स हमने अभी आधा रास्ता भी कवर कर लिया और अभी अपने साथ दीपांशु भाई पीछे बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं एकदम जबरदस्त मचाते हुए जा रहे हैं. और अभी ये रास्ता आ चुका है बहुत ज़्यादा ठंडा और आगे मिलते हैं अभी आपको. गाइस अभी हमें अप्रोक्स यार नियर बाई लोकेशन है और आगे जो हमने यार टर्न लेना था वो हमने ले लिया. Abrol भाई बुलेट वाले ये अपने साथ साथ चल रहे हैं और आज की जो हमारी यार डेस्टिनेशन होने वाली है ना, आज का ये जो व्लॉग है ये हमारा जो यार धर्मशाला जो इंटरनेशनल स्टेडियम है सो वहाँ का व्लॉग है अपना. चलते चलो और बाकी हम उधर ही चल के अभी मिलते हैं सीधा, क्योंकि अभी रास्ते में बस यही यार रोड है, कर्व कुर्व है, ये यार पहाड़ी पहाड़ और ठंडी ठंड मिलेगी. सो इसके लिए हम यार मेन यार धर्मशाला में चलते हैं और वहीं से आपको बताते हैं आगे. सो लेट्स गो. तो गाइस फाइनली हम धर्मशाला मेन में पहुंच चुके हैं, मेन मार्केट यहाँ से ऊपर भी थी और यहाँ से नीचे भी है ये इधर पेट्रोल पंप. और अभी हम जा रहे हैं सीधा स्टेडियम वाली साइड और बाकी आप देख ही लो यार एकदम गजब साफ सफाई इधर बहुत अच्छी है, एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है ये. और अभी यार चलते हैं सीधा स्टेडियम वाली साइड ही, जो धर्मशाला का स्टेडियम बहुत ही फेमस स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है वो. सो ये रहा मेन एंट्रेंस स्टेडियम का, 1A लिखा हुआ इधर आई थिंक यार पहला गेट है, यही यार मेन गेट है ना, मेन एंट्रेंस यहीं से अंदर है.
सो अभी ये अपने भाई लोग यहाँ पे टिकट वगैरह कटा रहे हैं, और भाई टिकट उकट कटा के फिर चलो अंदर। ये रही इसकी आउटर लुक, और अभी हम फाइनली इधर पहुँच चुके हैं। ये किधर स्मॉल स्टेडियम है आई थिंक, यार प्रैक्टिस जहाँ पे होती है ये है, उसका हॉकी ट्रफ है। अच्छा हॉकी ट्रफ, ठीक, वो अंदर स्विमिंग पूल की प्रैक्टिस का एरिया है। ओके, ये मेन ग्राउंड, ये मेन ग्राउंड है, और ये इसकी यहाँ से एंट्रेंस है अंदर। बाकी ये इधर कुछ यार पार्किंग वार्किंग की एकदम, ये यार इंटरनेशनल स्टेडियम ही है ना, इंटरनेशनल स्टेडियम है यहाँ। ये यहाँ पे इंटरनेशनल जो टीम्स होगी ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पाकिस्तान, उनका मैच इधर होता है। सो अभी चलते हैं सीधा अंदर ही। तो यार पहली बार है जो हम इस स्टेडियम पर ऐसे आ रहे हैं, इससे पहले मैं किसी इंटरनेशनल स्टेडियम पे नहीं गया। सो अब्रोल भाई आपका यार क्या कहना है, आप भी पहली बार ही आ रहे हो आई थिंक? फर्स्ट विजिट टू एनी इंटरनेशनल स्टेडियम। ओके, तो देखते हैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। होप ये करते हैं कि सब मस्ती जाना चाहिए, क्योंकि ब्रो बड़े दूर से आए हैं, ठंड में चल के आए, बाइक पे आए, अभी धूप इतनी तेज है फिर भी ठंड लग रही है। सो अभी चलते हैं अंदर ही, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस वी आर इन HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। पीछे देख लो अपने, एक मस्त सा ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, क्रिकेट एसोसिएशन वेलकम्स यू। वो सामने पार इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये रहा इधर का स्टेडियम पूरा, और इंटरनेशनल स्टेडियम है ये। यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो मीन से टीम्स वगैरह होती हैं उनका मैच इधर एकदम मस्त से होता है। और इधर से नीचे अगर गिरे तो समझो फिर गिरे, तो भाई साहब सेलिब्रिटीज वगैरह के लिए पीछे पहाड़ का व्यू सेक्सी है, स्टैंड्स हैं, बड़ी कैपेसिटी है, बहुत कैपेसिटी है, मतलब एकदम जगह जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि इसका जो इधर से जो व्यू आ रहा है ना वो पहाड़ का, ये भाई एक नंबर है। और बाकी तो आप सभी को पता है जो हिमाचल से है उनको तो बिल्कुल पता होगा कि ये स्टेडियम क्या है, बट जो न्यू है उनके लिए, तो हमारे लिए भी न्यू ही है, जो न्यू है उनके लिए है ये स्पेशल वीडियो, बट जो पुराने वो भी देख लेना हिमाचल प्रदेश वाले लोग। तो भाई साहब हर दिन लाइफ का जो भी हम मीन्स सीढ़ी चढ़ते हैं ना, कुछ न्यू यार देखने को मिल रहा है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। ये अपने शोएब भाई पीछे, ये दीपांशु भाई साथ में, अब्रोल भाई, और चिल मारते हुए काफी ज्यादा मजा आता, मजा बहुत यार, मजा बहुत। मैच वगैरह तो फिर हम इधर जरूर जरूर चक्कर लगाएंगे, पक्का पक्का, खेलने का मौका दे, बट सॉरी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मिलेगा यार इन लाइफ, कोई पता नहीं लाइव कहाँ से कहाँ ले जाए बंदे को। गाइस ये आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है HPCA, इट मींस वी आर इन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ये सामने अपने स्टेडियम है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, और यहाँ पे ये स्टेयर्स वगैरह लगी हुई है या चेयर्स वगैरह इधर बैठने के लिए। मैंने तो वो सामने और वाला जो है ना स्कोरबोर्ड ही पहली बार देखा, बैट्समैन टोटल बॉलर विकेट, भाई साहब मैंने भी खुद ये चीज कितना है, ये चीज यार पहली बार ही देखी इन लाइफ में, और यार पहली बार ही हम इतनी बड़ी इंटरनेशनल स्टेडियम पे हम आए। ये सामने देख लो HPCA, बैट्समैन टोटल बॉलर आवर रन विकेट, ये सब कुछ इधर लिखा हुआ है, और पहली बार ही हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं। और स्टेडियम देख लो कितना बड़ा, और इधर ऑल ओवर मींस यार कंट्री से लोग आते हैं, साउथर्न लोग हैं ये इधर बैठे हुए, साउथ के कुछ लोग हैं, कुछ मींस यार ऑल ओवर द इधर से मींस कंट्री से, और इंटरनेशनल लोग भी इधर से आते हैं, मींस यार बाहर वाली कंट्री होगी जैसे। सो ये सामने अंपायर वगैरह बैठने की जगह उनकी, उनके लिए स्पेशल बनाई गई है, और स्पेशल यार जो चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए ये, और एक नंबर लोकेशन है भाई, एक नंबर। पहली बार अपनी नाकू से हम देख रहे हैं, और हम भाई लोग इधर बैठे हुए हैं मस्त से चिल मार रहे हैं। शोएब भाई अपना खड़ा है, सो अभी कुछ टाइम इधर, तो अभी कुछ टाइम इधर एंजॉय करने के बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट का क्या प्लान रहती है। अभी लंच वंच भी करना है, लंच नहीं किया हमने। वो बड़ी एक नई बात देखी है, वो जैसे किसी का वहाँ पे बर्थडे है, शूट के लिए बुकिंग की, शूट के लिए स्पेशल यार इसे कहते हैं, बिल्कुल। तो भाई साहब ये होता है सही, अब हम बाकी कुछ बाकी सभी समझ जाओ, हम भी अपने टाइम में आएंगे, जरूर आएंगे, और स्पेशल मीन्स मैं अपनी पहली बंदी का बर्थडे भाई। मैं आपको एक बार इसकी पूरी जो या रोड फिगर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वो साइड पूरे यार चेयर्स लगी हुई है बैठने के लिए, यहाँ से भी यार प्लेयर का एंट्रेंस है, और इस साइड से भी प्लेयर जो आते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनका एंट्रेंस है। बाकी ये रहा स्टेडियम, और ये रही पूरी चेयर्स, इधर बहुत सारे लोग इधर टूरिज्म वगैरह आए हुए हैं बाहर से, और अपने भाई लोग भी अपने साथ हैं। सो अभी देखते हैं, अभी चलते हैं कुछ बाहर, कुछ खाना पीना भी अपन ने, भूख तो बड़ी खासी अच्छी खासी लग चुकी है, और लोकेशन एकदम यार अमेजिंग है, क्योंकि ये एकदम यार नेचुरल के बीच है, पहाड़ी पहाड़ है, और इधर पे जो खेलने का आनंद है ना वो सिर्फ प्लेयर्स को ही पता है, और इधर की हवा में ही कुछ अलग है। अभी फाइनली टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, अभी हम सभी भाई लोग जा रहे हैं बाहर यार बाइक के पास,
आपने देख लिया स्टेडियम वगैरह। सो यही कुछ था स्टेडियम। सो करते हैं हम आज के व्लॉग को इधर ही एंड, ये व्लॉग ये पार्ट को, इससे आगे ये सेकंड पार्ट अपना कंटिन्यू कर देंगे। होप करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में बहुत जल्द, बहुत ही बढ़िया से व्लॉग में, कल ही मीन्स इसके बाद जो व्लॉग शूट करेंगे। सो ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, देन।